मजदूरी को लेकर के सवाल खड़े किए, हालांकि भाजपा कह रही है कि राजनीति नहीं होनी चाहिए, राजद की तरफ से इसको। देखिए, हम सभी लोगों से आग्रह करते हैं कि आज जो भोजपुरी का मिठास है, और भोजपुरी तो भाई सोलहों श्रृंगार में जो गाया जा सकता है बेहतरीन से बेहतरीन गाना, वो भोजपुरी ही है। और भोजपुरी आज देश में 6 करोड़ जनता भोजपुरी बोलती है, सभी लोग जानते हैं, और विश्व में 25 करोड़। इसका ज़्यादा, भोजपुरी का ज़्यादा वैल्यू अगर भारत से ज़्यादा अगर माना जाए तो मॉरिशस में है, फिजी में है, त्रिनाद में है, आप टेबेको में है, हर एक जगह में जहाँ भी बोला जा रहा है, विदेश में भी उसको काफ़ी इज्जत के दृष्टि से देखा जाता है। लेकिन आज क्या हुआ समाज में, आज समाज में दो अर्थी गानों का भरमार हो गया, उसके लिए कोई रोक टोक नहीं है। बिहार में कोई भी चाहे कितना भी भलगर गाना गा सकता है। और ऐसा क्यों हुआ, हम सदन में बोले कि इसके पृष्ठभूमि में जाइए, इसके नेपथ्य में जाइए कि ऐसा क्यों हुआ। हुआ क्या कि तीन ऐसे कलाकार हुए जिनका पूरा समाज में नाम था। आप जानते होंगे कि उन्होंने एक गाना गाया था, लहंगा उठा दे रिमोट से, भाई उसको कहाँ से टिकट मिल गया, भारतीय जनता पार्टी की ओर से, गोरखपुर से, ठीक है, आज वो माननीय सांसद हैं। फिर एक देखिए, देखा कि भाई ओकरों से हम थोड़ा भलगर गाना गाएं, तो एक गा दिया कि भीतर के तीतर, गाना सुन लीजिएगा, उस पर खूब बढ़िया डांस किया, तो भाई वो कहाँ से भाई एमपी हो गए, उनको कहाँ से टिकट विश्वगुरु दिए, उनको दे दिए आपको आजमगढ़ से, वो भी माननीय सांसद हैं। अब देखिए, अब तीसरा व्यक्ति बोला कि भाई हम काहे से पीछे हटेंगे, तो वो गाना गा दिया कि कुर्ती के टूटल बा बटनिया, ठीक बा, तो वो कहाँ से हो गए भाई सांसद, दिल्ली से। अब भाई बताइए कि लोग जो बेरोजगार हैं, जो हमारे समाज के, जो भोजपुरी, जो उत्तरी बिहार में बोला जाता है, अब वो लोग क्या किया कि फुहर से फुहर गाना गा करके वो लोग उसी तरह का अपना समाज में नाम कमाना चाहे। आज कहीं भी जाइए, शादी विवाह में जाइए, सरस्वती पूजा के विसर्जन में जाइए, जो गायक है, जो गाने वाला है, जो गीत को बनाने वाला है, उस पर मंचन करने वाला है, वो भी अपने परिवार में अपने वाइफ और बेटी के साथ वैसा गाना नहीं देखेगा जो उसने फैला दिया है समाज में। इसी पर मेरा सवाल था और मेरा आग्रह हो रहा था कि भाई इसके लिए रेगुलेटरी अथॉरिटी बना दीजिए, एक ऐसा अथॉरिटी बना दीजिए, ये आपके एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर से नहीं होने वाला है। जिस तरह से आपने शराबबंदी के लिए कानून बनाया, दहेज प्रथा के लिए कानून बनाया, तो इसके लिए अगर कानून बनाने में कोई व्यवधान हो तो इसके लिए रेगुलेटरी अथॉरिटी बना दीजिए, जो सभी गाना को पहले जांच ले, परख ले कि दो अर्थी में कोई वल्गैरिटी तो नहीं है, और तब उसको बाजार में छोड़े। लेकिन भाजपा आरोप लगा रही है कि जो यहाँ के सदस्य नहीं है उनके बारे में सदन में बात नहीं उठनी चाहिए और राजनीति भी नहीं होनी चाहिए भोजपुरी में द्विवर्ती गानों पर। देखिए, हमने किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिया, हमने सीधा कहा कि समाज में बड़े लोगों को देखा जाता है। क्यों हम लोग अनुसरण करते हैं कि महात्मा गांधी के बताए हुए रास्ते पर चलिए, जवाहरलाल नेहरू जी के बताए हुए रास्ते पर चलिए, लोहिया जी के बताए हुए रास्ते पर चलिए और जयप्रकाश जी के बताए हुए रास्ते पर चलिए, तो समाज तो उसका अनुसरण करता है। तो समाज का एक वर्ग इसका भी अनुसरण करता है कि कोई व्यक्ति कितना तेजी से उस पर विश्व गुरु को खुश कर सकता है फुहर गाना गा करके। तो उसका हमने तीन एग्जाम्पल दिया, हमने गाना का बोल बताया, हम रुई भी लेकर के गए थे कि अगर किसी महिला सदस्य को इस पर आपत्ति हो तो कान में रुई डाल लें, काहे कि सदन था भाई। तो भाई हमने तो सभी बात को रखा सदन के समक्ष, अब निर्णय लेना, और उनको तो क्या है, वो तो जैसे ही कोई बात बोलिएगा सच्चाई, तो सच तो कड़वा होता है, कड़वा प्राप्त करते एक साथ लोग हल्ला कर उठ जाता है। आप देखे होंगे, माइक भी कवार दिया उस सदन में, माइक भी कवार दिया, और भाई चोर मचाए शोर, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, सब चीज़ तो आप सदने में देख रहे हैं, और उसको मनावल करके ले जाना पड़ा कि भाई आइए अब क्या कीजिएगा, आपका वही लक्षण है, आप उसी वर्ग से आते हैं, आपका तो प्रोपेगेंडा फैलाना आपका काम है, गाय गंगा जल और गोबर से ऊपर आप उठते नहीं हैं, घंटा और मंदिर से ऊपर आप उठते नहीं हैं, तो चलिए तो देखिए सब चीज़ तो आपके सामने हो रहा है। तो हम लोग कोई भी प्रोपेगेंडा नहीं फैलाते, कोई भी गलत बात नहीं करते, साक्ष्यों के आधार पर करते हैं। हमने गाना का बोल बोला कि बोलिए कि अब उनके ऊपर मंचन किया हुआ है कि नहीं, इस पर उन्होंने बेहतरीन डांस किया कि नहीं, और उस बेहतरीन डांस पर खुश होकर के विश्व गुरु उनको सांसद बनाए कि नहीं, आगे भी इस प्रकार का न हो, इसके लिए जो है अब क्या कुछ आप लोग करने वाले। हम लोग देखिए, हमारा लगातार जो भी सभ्य समाज है कोई इसको टॉलरेट नहीं करता है, कोई भी सज समाज
कभी नहीं चाहेगा कि दो अर्थी गीत इस तरह से आप बाजार में परोसते रहिए और फूहर गाना गा करके समाज को विकृत रूप देते रहिए। तो देखिए, मेरा व्यक्तिगत रूप से हमारा ये लगातार प्रयास रहेगा कि इसके लिए सरकार रेगुलरिटी एक बोर्ड बनाए, एक अथॉरिटी बनाए, जिसमें कोई भी तरह का कोई भी व्यक्ति जो मिठास है भोजपुरी का, मिठास हो, सोलह सिंगार हो, एक से एक नदिया का पार फिल्म देखिए, गंगा मैया तोरा पियरी चढ़ाबो, वो सब देखिए, अच्छे अच्छे लोग मजरू सुल्तानपुरी भी गाना उसमें आपको बना करके दिए हैं, भाई क्या बात करते हैं, भोजपुरी में जो गाया जाता है वो तो कहीं नहीं गाया जाता।